हेलो गाइस, दिस इज नवनीत महान, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल एंटोमोलॉजी। आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंट क्रॉप्स के लिए IPM मॉड्यूल के बारे में। दैट मीन्स हम अलग अलग क्रॉप में किस तरह से IPM मॉड्यूल अपना सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। गाइस, हम सबसे पहले बात करते हैं IPM मॉड्यूल फॉर ग्राउंड नट। ग्राउंड नट के IPM मॉड्यूल के बारे में बात करते हैं। ग्राउंड नट के लिए हम किस तरह से IPM मॉड्यूल अपना सकते हैं। तो ग्राउंड नट में सबसे पहले, चूंकि IPM में हम पहले से ही स्टार्ट करते हैं प्री सोइंग कंडीशन से, तो ग्राउंड नट में प्री सोइंग में कौन कौन से पेस्ट के लिए कौन कौन से प्रैक्टिस अपनाने चाहिए। तो फर्स्ट है प्री सोइंग कंडीशन में वाइड ग्रब, निमेटोड, बर्ड नेक्रोसिस, रेड हेरी कैटरपिलर, सोयल बॉर्न पैथोजेंस, कॉलर रोट, ड्राई रॉट, ये सारे के सारे जो पैथोजेंस हैं इनका मैनेजमेंट हम सोइंग से पहले ही स्टार्ट कर देते हैं। दैट मीन्स हम कह सकते हैं इन सारे पेस्ट और इन सारे पैथोजेंस के लिए हम इनके मैनेजमेंट की तैयारी हम सोइंग से पहले ही करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इनके लिए हम सबसे पहले बात करते हैं कल्चरल प्रैक्टिस की। तो कल्चरल प्रैक्टिस में पार्शियल और कंप्लीट लॉपिंग ऑफ होस्ट प्लांट एंड रिटेनिंग ऑफ अ फ्यू मोस्ट प्रेफर्ड होस्ट ट्रीज इन द एरिया ऑफ कॉन्ग्रीगेशन ऑफ वाइड ग्रब एडल्ट। दैट मीन्स हम जो हमारा जो ट्रांसप्लांटिंग हमारा जो प्लांटिंग एरिया है, हमारा जो फील्ड है, उसके आसपास में उनके एडल्ट के लिए होस्ट प्लांट को पूरी तरह से नष्ट कर देनी चाहिए। उन क्योंकि जो एडल्ट वाइट ग्रब के जो एडल्ट होते हैं वो भी वेजिटेशन पे ही डिपेंड होते हैं। वो दूसरे बहुत सारे प्लांट्स के जो फॉलेज होते हैं उन पे अपना जीवन निर्वाह करते हैं। तो उनके जो अल्टरनेट होस्ट हैं उन्हें नष्ट कर देना चाहिए। नेक्स्ट है डीप समर प्लोइंग। डीप समर प्लोइंग करने से, चूँकि जो वाइट ग्रब होता है ये सॉइल के अंदर ही होता है, जो निमेटोड्स होते हैं वो भी सॉइल के अंदर ही होते हैं, डीप समर प्लोइंग करने से ज़मीन के अंदर, मिट्टी के अंदर छुपे हुए जो पैथोजेंस हैं या जो इंसेक्ट पेस्ट के लार्वी या ग्रब या कोई भी इंसेक्ट पेस्ट जो ज़मीन के अंदर छुपे हुए हैं वो ओपन में एक्सपोज हो जाते हैं। डीप समर प्लोज टू एक्सपोज सोयल बोर्न पैथोजेंस, वाइट ग्रब्स, निमेटोड्स एंड हाइबरनेटिंग डिफोलिएटर्स। हाइबरनेटिंग डिफोलिएटर्स जस्ट लाइक रेड हेरी कैटरपिलर, चूँकि रेड हेरी कैटरपिलर के जो प्यूपा हैं वो भी ज़मीन के अंदर होते हैं, तो वो भी डीप समर प्लोइंग करने से ओपन सन में एक्सपोज हो जाते हैं, जो कि प्रीडेटर्स के द्वारा या ओपन सन सनलाइट के द्वारा नष्ट हो जाते हैं। उसके अलावा वीड्स के जो रूट्स हैं, वीड्स के जो सीड्स हैं वो भी बाहर निकल आते हैं और वो नष्ट हो जाते हैं। पेरिनियल वीड्स के जो राइजोम होते हैं वो भी बाहर निकल जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। हमें ग्राउंड नट के लिए क्रॉप रोटेशन भी अपनानी चाहिए। क्रॉप रोटेशन विथ व्हीट, मेज, सोगम, पर्ल मिलेट, कॉटन, ऑनियन और गार्लिक, ये सारे के साथ हम किसी के साथ भी हम क्रॉप रोटेशन अपना सकते हैं। चूंकि मिलेट्स और मेज, व्हीट, सीरियल क्रॉप्स जो हैं वो कॉटन सॉरी ग्राउंड नट के पेस्ट के नॉन होस्ट क्रॉप होते हैं, इसलिए इनके साथ क्रॉप रोटेशन हम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अर्ली सोइंग टू अवॉइड डैमेज ड्यू टू इंसेक्ट पेस्ट। चूँकि इंसेक्ट पेस्ट एक निश्चित समय पे ही ज़्यादा अटैक करते हैं, इसलिए अर्ली सोइंग करने से इंसेक्ट पेस्ट के लिए जब फेवरेबल कंडीशन होता है उससे पहले ही क्रॉप मैच्योर हो जाए, इसलिए हमें अर्ली सोइंग करनी चाहिए। रिमूवल ऑफ वॉलंटियर्स ऑफ प्रीवियस क्रॉप रेसिड्यू को हमें नष्ट कर देनी चाहिए। प्रीवियस क्रॉप के जो रेसिड्यू बचे हुए होते हैं उन्हें नष्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे इंसेक्ट पेस्ट जो होते हैं वो क्रॉप रेसिड्यू में बने हुए होते हैं, जस्ट लाइक कॉलर रॉट, ड्राई रॉट, ये सारे के सारे जो पैथोजेंस हैं वो क्रॉप रेसिड्यू में ही बने रहते हैं। नेक्स्ट इज मैकेनिकल प्रैक्टिसेस। मैकेनिकल प्रैक्टिसेस में हम
हैंड कलेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइट ग्रब एडल्ट। चूँकि वाइट ग्रब के एडल्ट एक साथ बहुत सारे ग्रुप में रहते हैं, एक ही प्लांट पे बहुत एक होस्ट पे बहुत सारे एक साथ रहते हैं, तो उनको हम मैनुअली कलेक्ट करके डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हम लाइट ट्रैप के द्वारा भी वाइट ग्रब के एडल्ट को ट्रैप कर सकते हैं। रेड हैरी कैटरपिलर या बिहार हैरी कैटरपिलर के जो एडल्ट होते हैं उनको भी हम फेरोमोन ट्रैप या फिर लाइट ट्रैप से अट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है सीड और सीडलिंग स्टेज में हमें कौन कौन से पेस्ट के लिए कौन कौन से प्रैक्टिस अपनाने चाहिए। देन सीड और सीडलिंग के लिए सबसे पहले वीड मैनेजमेंट। तो वीड मैनेजमेंट के लिए हम कल्चरल प्रैक्टिसेस अपना सकते हैं सीडलिंग स्टेज में हैंड होइंग, क्योंकि वो कंडीशन होता है जब सोइंग से जस्ट पहले या सोइंग के जस्ट बाद उस समय जो पौधे होते हैं हमारे जो क्रॉप मेन क्रॉप जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है, इसलिए उस कंडीशन में हमें वीडिसाइड या हर्बिसाइड का यूज़ नहीं करना चाहिए। तो कल्चरल प्रैक्टिसेस में हम हैंड होइंग कर सकते हैं, हैंड होइंग एट 20 डेज एंड 35 टू 45 डेज आफ्टर सोइंग ऑफ इफेक्टिव वीड कंट्रोल। नेक्स्ट है एफिड्स लीफ माइनर एंड टोबैको कैटरपिलर। एफिड्स लीफ माइनर और टोबैको कैटरपिलर के लिए हम कल्चरल प्रैक्टिस अपना सकते हैं, क्योंकि एफिड लीफ माइनर और टोबैको कैटरपिलर ट्रांसप्लांटिंग के या सोइंग के बाद ही अटैक करते हैं। टोबैको कैटरपिलर जो है वो कट वॉर्म है, ग्राउंड नट में कट वॉर्म के नाम से हम जानते हैं। एफिड और लीफ माइनर ये भी सकिंग पेस्ट हैं, तो इनके लिए हम कल्चरल प्रैक्टिस में स्ट्रे प्लांटिंग ऑफ काउपी के साथ में सोयाबीन या कैस्टर एंड सनफ्लावर, ये जो है इनको हम ट्रैप क्रॉप के रूप में यूज़ कर सकते हैं। काउपी को एफिड्स के लिए ट्रैप क्रॉप के रूप में यूज़ कर सकते हैं, लीफ माइनर के लिए सोयाबीन और टोबैको कैटरपिलर के लिए स्पॉट टेरिटोरिया के लिए हम कैस्टर या सनफ्लावर का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है बर्ड नेक्रोसिस। बर्ड नेक्रोसिस के पैथोजन से बचने के लिए हम कल्चरल प्रैक्टिस अपना सकते हैं डेंस क्रॉपिंग इंक्रीज सीड रेट टू रिड्यूस बर्ड नेक्रोसिस डैमेज एंड वीड पॉपुलेशन। नेक्स्ट डिसीज इज कॉलर रॉट स्टेम रॉट एंड वाइट ग्रब एंड टर्माइट। वाइट ग्रब और टर्माइट दोनों ही रूट फीडर इंसेक्ट्स हैं जो कि जमीन में बने हुए होते हैं, मिट्टी में बने रहते हैं और रूट को डैमेज करते हैं, तो इनके लिए हम इनके कंट्रोल के लिए कल्चर प्रैक्टिस में हम सोयल अमेंडमेंट मिला सकते हैं कैस्टर या नीम ऑयल केक। कैस्टर या नीम केक को हम इसमें मिट्टी में सोयल में हम मिक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट है रेड हैरी कैटरपिलर एंड टोबैको कैटरपिलर, ये दोनों ही डिफोलिएटर्स इंसेक्ट्स होते हैं, इनके लिए हम मैकेनिकल प्रैक्टिस अपना सकते हैं। मैकेनिकल प्रैक्टिस क्योंकि ये लेपिडोप्टेरॉइड इंसेक्ट्स होते हैं, इनके जो एडल्ट मोथ होते हैं वो नॉक्टर्नल होते हैं, इनको हम लाइट ट्रैप या फिर फेरोमोन ट्रैप से आसानी से इन्हें ट्रैप कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सीड रॉट कॉलर रॉट एंड रूट रॉट। सीड रॉट कॉलर रॉट एंड रूट रॉट ये तीनों ही डिसीजेज फंगल डिसीजेज हैं जो जिनके बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए हमें सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए ट्राइकोडर्मा विरिडी से। ट्राइकोडर्मा विरिडी एक फंगिफेगस फंगस है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं बायोलॉजिकल कंट्रोल के रूप में। 10 ग्राम पर केजी सीड के रेट से हम इसका सीड ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सोयल एप्लीकेशन भी कर सकते हैं ट्राइकोडर्मा विरिडी का, क्योंकि सीड रॉट कॉलर रॉट और रूट रॉट के जो पैथोजेंस होते हैं सोयल में होते हैं, इसलिए हमें सोयल ट्रीटमेंट या फिर ट्राइकोडर्मा विरिडी का सोयल एप्लीकेशन करने से इन डिसीज से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। नेक्स्ट वीड मैनेजमेंट के लिए हमें
सीड स्टेज में, जब हम सोइंग नहीं किए होते, सोइंग करने से जस्ट पहले हमें कुछ केमिकल वीडिसाइड का यूज़ करना चाहिए, जो कि चूंकि हम सोइंग से पहले करेंगे, सोइंग से पहले हम किसी भी प्रकार के नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड का यूज़ कर सकते हैं, बट सोइंग के जस्ट बाद में हमें सेलेक्टिव हर्बिसाइड का ही यूज़ करना चाहिए। सीड रॉट, कॉलर रॉट और रूट रॉट के लिए हम केमिकल कंट्रोल भी कर सकते हैं। इनके पैथोजन से बचने के लिए हमें 2 स्प्रे ऑफ डाइफेनाकोनाजोल, ये एक फंगिसाइड है जिसको 25 EC के फॉर्मुलेशन में मार्केट में अवेलेबल होता है। इसको हम 100 ml पर 100 लीटर ऑफ वाटर की दर से घोल बना के हम उसको स्प्रे कर सकते हैं। वाइट ग्रब के कंट्रोल के लिए हमें क्लोरपाइरीफास से जो सॉयल है या फिर कल्टीवेबल एरिया है, वहाँ के सॉयल को क्लोरपाइरीफास से ट्रीट करना चाहिए। इसके अलावा क्लोरपाइरीफास को हम फोलियर स्प्रे, क्लोरपाइरीफास का हम फोलियर स्प्रे भी कर सकते हैं। क्लोरपाइरीफास 20 EC 20% EC एट द रेट ऑफ 2.5 to 12.5 ml पर kg सीड के दर से हम सीड को भी ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सकिंग पेस्ट एंड टर्माइट्स। सकिंग पेस्ट और टर्माइट्स से बचने के लिए हमें इमिडाक्लोपिड से सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए। सीड ट्रीटमेंट इमिडाक्लोपिड से करने से जर्मिनेटिंग स्टेज में जो भी सकिंग पेस्ट सीड पे अटैक करते हैं उनसे बचा जा सकता है, जस्ट लाइक टर्माइट या वाइट ग्रब। ये जर्मिनेटिंग स्टेज में सीड को बहुत ज़्यादा डैमेज करते हैं। इनसे बचने के लिए इमिडाक्लोपिड 17.8% SL की दर से 17.8% SL एट द रेट ऑफ 2 ml पर kg की दर से सीड ट्रीटमेंट करना चाहिए। इसके अलावा सॉयल एप्लीकेशन ऑफ फोरेट 10% CG एट द रेट ऑफ 15 to 25 kg पर हेक्टेयर, और कार्बोफ्यूरान 3% CG एट द रेट ऑफ 33.3 kg पर हेक्टेयर। इन केमिकल्स का हम यूज़ कर सकते हैं टर्माइट्स, वाइट ग्रब या किसी प्रकार के सकिंग पेस्ट के अटैक से बचाने के लिए। नेक्स्ट, वेजिटेटिव स्टेज में हम बहुत सारे, मेनली वेजिटेटिव स्टेज में ही सारे मेन जो डिशीज हैं और पेस्ट हैं उनका अटैक होता है। तो वेजिटेटिव स्टेज में लीव स्पॉट रस्ट, स्टेम रॉट, बर्ड नेक्रोसिस, क्लम्प, सकिंग पेस्ट, टोबैको कैटरपिलर, रेड हेरी कैटरपिलर, बिहार हेरी कैटरपिलर, लीफ माइनर एट्सेट्रा, ये वेजिटेटिव फेस में ही इनका अटैक ज़्यादा होता है। तो इनके लिए सबसे पहले कल्चर प्रैक्टिसेस में रोग आउट बट नेक्रोसिस अफेक्टेड एंड क्लम्प इन्फेक्टेड प्लांट्स, हमें रोगिंग करनी चाहिए। जो इन्फेक्टेड प्लांट्स हैं या इन्फेक्टेड प्लांट पार्ट्स हैं उनका उनको रिमूव कर देना चाहिए, उन्हें हटा देना चाहिए। मैकेनिकल प्रैक्टिसेस में हमें कंटिन्यू लाइट ट्रैप का यूज़ करनी चाहिए, लाइट ट्रैप और बोन फायर। चूंकि नमी की कंडीशन में, फील्ड में अत्यधिक नमी होने से ज़्यादा फंगल इन्फेक्शन होता है, तो इसलिए फील्ड एरिया में बोन फायर की व्यवस्था करनी चाहिए, और उससे निकलने वाले धुएं से नॉक्टर्नल जो इंसेक्ट्स होते हैं वो भी काफ़ी हद तक कम होते हैं। रेड हेरी कैटरपिलर, बिहार हेरी कैटरपिलर, स्पॉटेड लिटोरा एट्सेट्रा का, ये सारे जो इंसेक्ट्स होते हैं ये अपने अंडे मासेस में देते हैं, इसलिए इनके एग मास को मैन्युअली कलेक्ट करके भी नष्ट किया जा सकता है। फेरोमोन ट्रैप के माध्यम से हम इनका रेगुलर मॉनिटरिंग कर सकते हैं। कलेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड ग्रब एडल्ट फ्रॉम जुजुबी और नीन ट्रिप्स अराउंड द
कल्टीबल फील्ड। ये जो वाइट ग्रब के एडल्ट होते हैं ये अपने होस्ट के ऊपर झुंड में मास में होते हैं, तो इनको हम मैन्युअली कलेक्ट करके नष्ट कर सकते हैं। उसके अलावा टू हैंड और मैकेनिकल वीडिंग एट 15 to 20 days आफ्टर सोइंग, दिस मे बी डन इन द इंटरवल ऑफ 7 days। इनके बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए हम एक पैरासाइट टेलिनोमस रिमोस, इसको भी प्रति हेक्टेयर 50,000 की दर से मास रिलीज कर सकते हैं। या उसके अलावा हम इस पूरा लिटूरा टोबैको कैटरपिलर के कंट्रोल के लिए NPV, इस पोरोप्टेरा लिटूरा एस लिटूरा NPV सस्पेंशन का भी हम स्प्रे कर सकते हैं। बैसिलस थुरिंजिनेसिस जो कि बैक्टीरियल सस्पेंशन होता है, इसका भी हम यूज़ कर सकते हैं। और बीवेरिया बेसियाना जो कि पैथोजेनिक एंटोमा पैथोजेनिक फंगस होता है, इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। केमिकल कंट्रोल में 2 स्प्रे ऑफ डाइफेनाकोनाजोल जो कि एक फंगिसाइड है, 25% EC की दर से मार्केट में अवेलेबल होता है। इसको 100 ml प्रति 100 लीटर ऑफ वाटर की दर से घोल बना के इसका हम फोलियर स्प्रे कर सकते हैं। हेक्साकोनाजोल या प्रोपिकोनाजोल, ये सारे के सारे जो फंगिसाइड है इनको हम डायरेक्ट फोलियर स्प्रे कर सकते हैं। कुछ इंसेक्टिसाइड्स जस्ट लाइक क्विनोल फॉस 1.5% डस्टिंग पाउडर एट द रेट ऑफ 2300 to 2500 ग्राम पर हेक्टेयर की दर से, या फिर क्विनोल फॉस 25% EC एट द रेट ऑफ 1400 ml पर हेक्टेयर, और डाइक्लोरवास 76% EC एट द रेट ऑफ 470 to 940 ml पर हेक्टेयर की दर से हम इसका फोलियर स्प्रे कर सकते हैं। कुछ नीम बेस्ड इंसेक्टिसाइड्स जिसका हम यूज़ कर सकते हैं, जस्ट लाइक नीम ऑयल, एजाडिरेक्टिन और NSK नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट जो कि एंटीफिडेंट के रूप में कार्य करता है। क्विनोल फोस 25 EC 0.05% का घोल बना के इसका हम फोलियर स्प्रे कर सकते हैं, जो कि इस स्पोरोप्टेरा लिटोरा और हेलिकोर्पा आर्मीजेरा के अगेंस्ट काफ़ी हद तक काम करता है। नेक्स्ट इज फ्लावरिंग स्टेज। फ्लावरिंग स्टेज में जो अटैक करने वाले इंसेक्ट्स हैं वो है लीफ माइनर, स्पोरोप्टेरा लिटोरा, रस्ट और टिक्का डिसीज। स्पोरोप्टेरा लिटोरा जो है वह है टोबैको कैटरपिलर और लीफ माइनर, मेन दो इंसेक्ट्स हैं फ्लावरिंग स्टेज में काम करते हैं। जो फ्लावरिंग स्टेज में अटैक करते हैं वह है लीफ माइनर और स्पोरोप्टेरा लिटोरा। इनके मैकेनिकल प्रैक्टिस के लिए हम मैनुअली कलेक्शन एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइट ग्रब बीटल इमिजिएटली आफ्टर द अर्ली रेन्स, इंस्टॉलेशन ऑफ 12 लाइट ट्रैप पर हेक्टेयर और बोन फायर अगेंस्ट रेड हैरी कैटरपिलर। रेड हैरी कैटरपिलर के अगेंस्ट हम बोन फायर भी अरेंज कर सकते हैं फील्ड के आसपास, क्योंकि ये जो इंसेक्ट्स होते हैं नॉक्टर्नल होते हैं, ये रात के समय किसी प्रकार की लाइट के प्रति अट्रैक्ट हो जाती हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल। बायोलॉजिकल कंट्रोल में ट्राइकोग्रामा चिलोनिस जो कि एक पैरासिटॉइड है, इसको हम स्पोरोप्टेरा लिटोरा, रेड हैरी कैटरपिलर, हेलिकोर्पा आर्मीजेरा इनके अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा 5% नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट भी स्पोरोप्टेरा के अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं। केमिकल कंट्रोल में डाई मेथोइड 30% EC एट द रेट ऑफ 470 to 940 ग्राम पर 500 to 1000 लीटर ऑफ वाटर फॉर कंट्रोलिंग द लीफ माइनर। इस पे क्विनोल फॉस 25 EC
0.05% और क्लोरपाइरीफास 20 EC फॉर मैजिंग स्पोरोप्टेरा। ये जो इंसेक्ट्स हैं फ्लावरिंग स्टेज में इनका अटैक होता है, इसलिए इनको इनमें किसी प्रकार के इस प्रकार के जो इंसेक्टिसाइड्स हैं इनका हम यूज़ कर सकते हैं। जो कुछ फंगिसाइड जस्ट लाइक डाइफेनाकोनाजोल, प्रोपिकोनाजोल, हेक्साकोनाजोल एट्सेट्रा को हम यूज़ कर सकते हैं रस्ट के अगेंस्ट। नेक्स्ट है पैगिंग और पोर्ट फॉर्मेशन स्टेज। पैगिंग और पोर्ट फॉर्मेशन स्टेज में जो अटैक करने वाले इंसेक्ट्स हैं वो हैं स्पोरोप्टेरा लिटुरा, लीफ माइनर, रस्ट, लीफ स्पॉट और स्टेम रोट। इनके अगेंस्ट मैकेनिकल कंट्रोल में हम, चूंकि मैंने पहले ही बताया स्पोरोप्टेरा लिटुरा जो है वो मास में एग देते हैं, तो इनके एक मास को हम मैनुअली कलेक्ट करके नष्ट कर सकते हैं और नीम बेस्ड फॉर्मुलेशन को भी स्प्रे कर सकते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल में हम NPV का यूज़ कर सकते हैं, बैसिलस थुरिंजिनेसिस का यूज़ कर सकते हैं और बिवेरिया बेसियाना का भी यूज़ कर सकते हैं। एंटोमोपैथोजेनिक निमेटोड्स जो है इनका भी सस्पेंशन का स्प्रे हम कर सकते हैं। कुछ केमिकल इंसेक्टिसाइड जस्ट लाइक डायमेथोइड, क्विनोलफोस, डायफेनाकोनाजोल, प्रोपिकोनाजोल, हेक्साकोनाजोल इनका भी हम यूज़ कर सकते हैं। मैच्योरिटी स्टेज में अटैक करने वाले जो इंसेक्ट्स हैं या पेस्ट हैं वह है पोर्ट रोट, लीप स्पॉट, रस्ट, पोर्ट बोर, टर्माइट, रोडेंट्स, एफ्लाटॉक्सिन्स एट्सेट्रा। ये जो पेस्ट हैं इनके अगेंस्ट हम केमिकल कंट्रोल ही अपना सकते हैं, बट चूँकि वो जो उस कंडीशंस में पॉड फॉर्मेशन या मैच्योरिटी स्टेज में पोर्ट बन चुके होते हैं, यदि हम कोई केमिकल यूज़ करते हैं तो हमारे लिए वो टॉक्सिक हो सकता है, इसलिए हमें केमिकल का यूज़ नहीं करना चाहिए। मेजर्स आर सजेस्टेड एज द एक्शन में लीव पेस्टिसाइड रेसिड्यू ऑन द हार्वेस्टेड प्रोडक्ट। यूज़ 0.005% ब्रोमाडियोलोन केक, इसका हम यूज़ कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट है हार्वेस्ट एंड स्टोरेज। हार्वेस्ट और स्टोरेज स्टेज में, हार्वेस्टिंग स्टेज और स्टोरेज में कल्चरल प्रैक्टिस में हम स्टोर इन पॉलीथीन लाइंड गनी बैग्स और राइज्ड प्लेटफॉर्म। चूँकि कुछ जो इंसेक्ट्स होते हैं मिट्टी से आते हैं, प्लेटफॉर्म पैथोजन जो होते हैं सॉयल से आते हैं, इसलिए हमें स्टोरेज राइज्ड प्लेटफॉर्म पे ही स्टोर करनी चाहिए और पॉलीथीन लाइंड गनी बैग में ही इनको स्टोर करने चाहिए। जो बोरे हम यूज़ करते हैं वो पॉलीथीन के बने हुए होने चाहिए। स्टोर करने से पहले ऑप्टिमम मॉइस्चर लेवल 7% होनी चाहिए, 7% या उससे कम होनी चाहिए, तभी हम स्टोर कर सकते हैं, अन्यथा उनमें किसी प्रकार के इंसेक्ट या पैथोजन का अटैक हो सकता है। हार्वेस्ट एट ऑप्टिमम मैच्योरिटी स्टेज टू अवॉइड पोड इन्फेक्शन बाय ए फ्लेवर्स। केमिकल कंट्रोल में हमें एल्युमिनियम फास्फाइड जो कि सेल्फास के नाम से मार्केट में अवेलेबल होते हैं, इनको भी हम स्टोरेज एरिया में यूज़ कर सकते हैं। गाइस आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।